गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 11.2। ओके स्टूडेंट, तो इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रोम्बस एंड एरिया ऑफ ट्रिपिजियम। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जाएंगे, आप उन्हें रफ कॉपी में ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रिपिजियम। फाइंड द एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.5 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। ओके स्टूडेंट, आपके पास एक ट्रिपिजियम दिया गया है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रिपिजियम होता क्या है। ट्रिपिजियम एक जो एक पेयर होता है वो पैरेलल होता है। ओके, तो जैसे ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल, और ये आपस में पैरेलल नहीं है। ओके, तो हमें एक ट्रिपिजियम दिया गया है और उस ट्रिपिजियम में हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रिपिजियम बना देता हूँ। ये एक ट्रिपिजियम बनाया गया है और इसकी जो साइड है वो दे रखी है 1 मीटर और 1.2 मीटर, और इसकी जो हाइट दे रखी है, इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 0.8। तो मुझे इसका एरिया निकालना। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू वो होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी का मतलब हुआ जो इनकी क्या है, जो इस ट्रिपिजियम की साइड्स हैं। तो 1/2 ए की जगह क्या आ जाएगा, 1, और प्लस बी की जगह 1.2, और इंटू एच। एच हाइट कितनी इसकी, 0.8। तो देखें 1/2 और ये आ जाएगा 2.2 इंटू 0.8। तो चाहो तो इसको इससे काट दो, या क्या आएगा 0.4 कट जाएगा। अगर चाहो तो 2 से कट गया, कितनी बार, 4 बार, और 0.1 नंबर की बात है इसलिए वहां पे लगाने की जरूरत पड़ी। तो कैसे होगा, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा। तो एक नंबर यहां से, एक नंबर यहां से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। 0.2 नंबर की बात क्यों लगा, क्योंकि एक यहां से और एक यहां से, हमारा आंसर आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। है द एरिया ऑफ ट्रिपिजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर पैरेलल साइड। ओके स्टूडेंट, आपके पास क्या है कि यहाँ पे एक ट्रिपिजियम दिया गया है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ट्रिपिजियम में क्या होता है, एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया गया है, इसका एरिया दिया गया है। एरिया दिया गया है मुझे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके जो साइड से दे रखी हैं वो दे रखी हैं, एक 10 दे रखा है और ये दूसरा नहीं पहुँचे पता, तो मैं इसको बी मान लेता हूँ। अच्छा, और इसकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि एरिया ऑफ ट्रिपिजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रिपिजियम होता है 1/2 और ए प्लस बी इंटू हाइट। तो देखिए इसमें, इस जो ये फॉर्मूला है इसमें हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो एरिया कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। 34 इक्वल टू 1/2, ए की जगह मुझे पता है 10 है, प्लस बी की जगह मुझे नहीं पता तो बी ही रखेंगे, इंटू 4। तो इसको इससे काट दो 2 बार। अच्छा, इस 2 का इंटू दोनों के साथ होगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, 34 इक्वल टू इसके साथ करो तो कितना आ रहा है, 10 2 जा 20, और इसके साथ करूंगा तो कितना आ रहा है, 2b। अच्छा, जो 20 है यहाँ पे ये प्लस का है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस कर दो इसको, 34 में से 20 माइनस हुआ तो इधर बचा मेरे पास 2b। तो इसमें से ये गया तो कितना आ रहा है, 14 सेंटीमीटर, और इक्वल टू 2b। तो जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो 14/2 और काट के कितना आ रहा है, इसको काट के 7 सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 सेंटीमीटर।
ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लेंथ ऑफ ए फेंस ऑफ ए ट्रिपिजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर इफ बी सी इज 48 मीटर, सी डी इज 17 मीटर एंड ए डी इज 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल ए डी एंड बी सी। ओके स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या किया गया है कि एक फिगर दिया गया है और मुझे इसकी कुछ जो है यूनिट्स दी गई हैं कि ये इतने सेंटीमीटर या मीटर का है, ठीक है, और इसका पेरीमीटर भी दिया है कि टोटल जो इसका पेरीमीटर है वो 120 है। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, उसकी जो आउटर बाउंड्री है उसका सम। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ तो ये 120 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इन सबको ऐड करूँ, इसको इसको इधर इधर सबको ऐड करने के बाद 120 आना चाहिए। तो यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगा 40 प्लस 17 प्लस 48 और प्लस यहाँ पे नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है, 120। तो इनको ऐड करते हैं, 8 और 7 15, 15 का 5, 1 बचा 5 और एक 6, 6 और 4 10, ठीक है, और प्लस इसके साथ x भी है। अच्छा, जो चीज़ यहाँ प्लस होता है वहाँ जाके माइनस, तो 120 माइनस 105 इक्वल टू x, तो ये आ रहा है 15 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 मीटर। अब ये कह रहा है कि इसका एरिया भी निकालो, तो अगर मैं एरिया निकालूँ तो एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। अब देखें यहाँ पे एरिया निकालना मुझे, तो 1/2 ए प्लस बी, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो 40 प्लस 48 इंटू हाइट। हाइट हमेशा वो, अब इसको हाइट मत समझना क्योंकि ये परपेंडिकुलर बिल्कुल भी नहीं, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ये वाली। तो x की वैल्यू अभी कितनी आई थी, 15, तो इसको 15 तो करो 1/2, इसको ऐड करो जरा, ये आ रहा 88, 8 और 8 88 इंटू 15, तो मैं इसको इससे काट देता हूँ, तो ये आ रहा 44। अब हम क्या करेंगे, 44 इंटू 15 का इंटू कर दो, तो 15 फोर जा 60 और 15 फोर जा 66, तो ये आ रहा है 660 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये इसका एरिया आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या करना है कि हमें एक रोम्बस दिया गया है। रोम्बस होता क्या है, रोम्बस जो है एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो वो तो स्क्वायर की भी होती हैं, तो अंतर क्या है फिर दोनों में। स्क्वायर में जो प्रत्येक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और रोम्बस में नहीं होता, जैसे कि ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इस स्क्वायर में जो यहाँ पे एंगल्स होते हैं ये हमेशा 90 डिग्री होते हैं और इसकी जो इनकी जो सारी साइड्स होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बट रोम्बस में एक चीज़ नहीं होती, क्या, कि वो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होती। अब सोचिए आप, ये जो ये यहाँ पे जो वर्टेस हैं इनको थोड़ा खींच दीजिए ऐसे, ये झुका दीजिए, तो ये कैसे झुक जाएगा, इस तरह से, तो ये ऐसे झुक जाएगा, तो ये बनेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड करने पे जो फिगर बनेगा वो बनेगा रोम्बस, क्योंकि सारी साइड्स तो तभी बराबर रहेंगी बट यहाँ पर एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की क्वालिटी होती है कि इसके जो सारी साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं बट इनके जो प्रत्येक एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो क्या हैं, वो उनकी जो मेजरमेंट दे रखी है इसको मैं D1 कह सकता हूँ, कि जो इनकी जो पहला डायगोनल है वो है 7.5 सेंटीमीटर और जो D2 है जो दूसरा डायगोनल है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है इसका 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो कैसे होगा, 1/2 इंटू D1 कितना है, 7.5 सेंटीमीटर,
और डी टू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो उसे डायरेक्ट आप इसको काट सकते हैं 6 बार, तो ये आ रहा है 7.5 × 6, तो करिए 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 7 जा 42 और 345, और पॉइंट यहाँ पे लगा दो, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स। हमें क्या करना है इसमें कि एक रोम्बस दिया गया, उसकी जो है एक साइड दी गई है और एक डायगोनल दिया गया, तो हमें इसका एक और डायगोनल निकालना है, कि रोम्बस में दो डायगोनल होते हैं तो हमें एक और डायगोनल पता करना है। तो देखिए कैसे, ये रोम्बस है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है यहाँ पे कि इसका इसकी जो एक साइड है वो 6 सेंटीमीटर की, और इसका जो एक डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर का है, तो मुझे इसका अदर डायगोनल निकालना है। तो आपको मैं बता दूं कि जो रोम्बस होता है वो एक पैरेललोग्राम ही होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटी रोम्बस में होती है। पैरेललोग्राम की क्या क्वालिटी होती है कि इनके आमने सामने की साइड्स आपस में पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, और रोम्बस में वो भी होता है कि आपस में बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें एक चीज़ और दी है, इसका जो एल्टीट्यूड दिया है, इसकी जो ऊंचाई दी है, ऊंचाई यहाँ से और यहाँ तक ऊंचाई जो दी है वो 4 सेंटीमीटर दी है, तो इन्होंने कहा है कि हमें एरिया निकालना, तो एरिया और पैरेललोग्राम, एरिया और पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस जो होता है वो भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो देखिए इसमें बेस बेस को मैं जो है 6 सेंटीमीटर मान लूँ, तो 6 × हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये आ रहा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, 24 सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया। अच्छा, अगर मैं रोम्बस का एरिया निकालूँ, तो एरिया ऑफ रोम्बस अगर मैं निकालूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है 1/2 × D1 × D2। तो इसका एरिया मुझे पता है अब कितना है 24, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 24 = 1/2 × D1 कितना है 8, और D2 नहीं पता उसे रहने दो। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 से इसको काट दो, और 2 से कट गए 4 बार, तो जो चीज़ यहाँ इन टू है वहाँ जाके डिवाइड जाएगी, तो 24/4 = D2, और अगर मैं इसका डिवाइड इसमें कर दूँ तो कितनी बार कटेगा 6 सेंटीमीटर, तो इसका जो दूसरा डायगोनल है वो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4। इन्होंने कहा है कि एक एरिया है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि 3000 टाइल्स लगती हैं, और हर एक टाइल जो है वो रोम्बस शेप्ड में है, सॉरी ट्रिपिजियम, हाँ सॉरी रोम्बस शेप्ड में है, और प्रत्येक जो रोम्बस का जो डायगोनल है वो 45 सेंटीमीटर का है और 30 सेंटीमीटर का है, तो मुझे ही बताना है कि टोटल कितना पैसा खर्च होगा, जबकि 4 रुपये पड़ता है 1 मीटर स्क्वायर का, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चा है वो क्या होता है, कितना पड़ता है 4 रुपये पड़ता है 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा है कि रोम्बस शेप्ड में है, ठीक है, इस तरह से एक टाइल है, तो और उसके जो डायगोनल्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 45, और यहाँ से दे रखा है 30। ओके स्टूडेंट, पहले समझिए कि करेंगे कैसे। सोचिए यहाँ पे कि एक मुझे इस बोर्ड पे, टोटल बोर्ड पे मुझे जो है कुछ टाइल्स लगानी है, और मुझे इतना पता है कि इस बोर्ड में जो है 3000 टाइल्स लगती हैं, 3000 टाइल्स लगती हैं, तो टोटल कितना एरिया कवर होगा पता कैसे चलेगा मुझे। पहले मैं एक टाइल का एरिया निकालूंगा, उसके साथ इंटू कर दूंगा 30
3000 का। क्यों? क्योंकि एक टाइल जितना एरिया कवर करेगी उसके साथ 3000 इंटू करेंगे, और तब जाके मुझे पता चलेगा कि टोटल बोल्ड का जो एरिया है वो कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ टाइल, पहले एक टाइल का निकालूंगा। तो एरिया वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो देखिए कैसे होगा, 1/2 D1 कितना है 45 और D2 कितना है 30। तो कैसे होगा, इसको इससे काट सकते हैं हम 15, तो हमारे पास आ रहा है 45 इंटू 15। तो 15 5 जा कितना होगा 75, और 15 4 जा 60, तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना क्या आ गया, एक टाइल का एरिया आ गया। ओके, अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। तो 3000 टाइल्स का एरिया कितना होगा, 675 का इंटू 3000 के साथ कर दो। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 5 जै 15, 1 कैरी, 3 7 जै 21 और ये 22, 2 कैरी और ये 3 6 जै 18 और 2 20 और 3 0 और लगा दो, और ये आ रहा है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब टोटल जो एरिया है वो कितना एरिया उसका, इतना। ओके स्टूडेंट, बट उन्होंने जो हमें दे रखा है, हमें जो गिवन है वो दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर के 4 गुण पड़ते हैं, वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, और मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में पता है। तो मैं उस सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मैं क्या करूँगा, मीटर स्क्वायर में चेंज कर दूंगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो यहाँ पे कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है, 2 है, तो उसको 2 चेंज करने के लिए मुझे 2 बार 100 का इंटू करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2025 और 123, और इसमें मैं 2 बार 100 का इंटू करूँगा। क्यों करूँगा 2 बार, क्योंकि 2 बार है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का इंटू, और दूसरे सेंटीमीटर को बदलने के लिए 100 का इंटू, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसलिए इसको इसको इंटू करेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 और ये 3। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 2025 अपॉन में 10, इसका डिवाइड इसमें करो तो यह आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का पड़ता है हमको कितना, 4 रुपये, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इंटू करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा कितना आएगा, यहाँ पे करेंगे 202.5 इंटू 4। तो कीजिए 4 5 जै 22 कैरी, 4 2 जै 8 और 2 10, 1 कैरी और ये यहीं पे आ गया, और 2 4 जै 8 और पॉइंट कितने नंबर के बाद है ये, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 810 रुपीज़, मतलब इस टोटल टाइल्स को लगाने के लिए 810 रुपये खर्चा होगा। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस छोड़े गए हैं, वो आपके लिए छोड़े गए, आप उन्हें घर में ट्राई करेंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी PDF हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दी जाएगी। थैंक यू क्लास।